Please raise your hand if you have opened SPCC Europe. Please raise your hands. All those students who have opened SPCC successfully, it's Europe. Yes, very good. This is. Now you can see in the data file, there are two kind of files. One is variable, you can see in the left bottom of the side, you can see one is data view, other is variable view. Have you seen that? Yes. Data view and variable view. Please raise your hands if you can see data view and variable view. Very good. So, SPSS is just like Excel. Have you ever done some work in Excel? Excel is cell-based. It means कि उसमें कॉलम भी होते हैं और उसमें रोज भी होते हैं, टेबल जैसे होते हैं, ऐसे ही ना? SPSS भी बिल्कुल उसी तरह है. इसका भी जो फंक्शन है वो कॉलम वाइज है और रो वाइज. जो रोज होती है, टेबल की जो रोज होती है वो केसेस को शो करती है. किसे शो करती है? केसेस. और जो कॉलम्स होते हैं वो शो करते हैं वेरिएबल्स. जो कॉलम्स होते हैं बेटा वो शो करते हैं वेरिएबल्स, और जो रोज है वो शो करती है केसेस. अब ये बात समझना जरूरी है, SPSS या एक्सेल या कोई भी मिनिटैब या सॉस या एमस्टैट्स, कोई भी आप सॉफ्टवेयर खुद एक्सेल, कोई भी आप सॉफ्टवेयर अगर यूज करते हैं इस डेटा एनालिसिस के लिए, तो सबसे पहला और अहम स्टेप ये है कि आपको डेटा की नजाकत को समझना है. आपको समझना है कि ये डेटा जो है मैंने किस तरह एंटर करने हैं शीट में. सबसे इम्पोर्टेंट वर्क ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द डेटा, वेदर इट्स अ क्वालिटेटिव डेटा, it is a quantitative data, it is a categorical data, it is a continuous data, it is a group data, it is a ungroup data, it is a raw data, it is a cooked data, it is a primary data, it is a secondary data. ये मैंने बहुत सारी आपके सामने चर्चा के साथ बताई है. डेटा क्या है एक्चुअली? डेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन. डेटा जो है वो डेटा का प्लूरल है. डेटा, डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन. यू हैव एक्सपेक्टेड सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑन सर्टेन पैरामीटर्स. यानी आप एज ए स्टूडेंट हम रिसर्च करते हैं, एज ए रिसर्चर रिसर्च करते हैं टू फाइंड आउट सर्टेन इम्पैक्ट. फॉर एग्जाम्पल अभी COVID-19 का रिजल्ट थोड़ा सा पहले आपने देखा, पूरी वीडियो जो है जब वो उसके क्या कहते हैं आ गया, वो अनफोर्सिंग फैक्टर्स की वजह से बहुत सारी प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रीज जो है वो क्रैश कर रहे हैं. फिर सब सेक्टर की बैठ गई कि कोविड जो है इसका इलाज क्या है या इसकी वैक्सीन कैसे डेवलप की जाए. फॉलिंग आउट है. WHO ने प्रोजेक्ट अनाउंस किया. WHO के इस प्रोजेक्ट के तहत जो लीडिंग माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसकी वैक्सीन डेवलप की. वैक्सीन डेवलप करना और उसको इंसानों तक पहुँचाना ये एक टायरिंग जॉब. Needs about 6 to 8 months if all the steps go smoothly. क्योंकि पहले वैक्सीन डेवलप की जाती है, फिर उसको मॉडल ऑफ बिजनेस में अप्लाई किया जाता है, फिर उसके बाद उसको ह्यूमन बींग्स में लाया जाता है. तो कहने का मकसद ये है कि रिसर्च हम एज रिसर्चर या एज जो लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं हमारा इसके साथ जो जुड़ाव का साथ डायलॉग हम इसके साथ इन टच है. रिसर्च क्या है? रिसर्च एक्चुअली उन गैप्स को सॉल्व करने का नाम है जो कि हमसे पहले कुछ रिसर्च ने फाइंड आउट किए हैं या उस सर्टेन फील्ड में काम किया है और उन्होंने उसको एक खास हद तक लेके आए. अब रिसर्चर जो है उसको वहाँ से आगे लेके जाते हैं. जी सर, रिसर्च मीन्स दैट यू हैव टू फिल दोज गैप व्हिच हैव बीन क्रिएटेड बाय द प्रीवियस रिपोर्टर्स और साइंटिस्ट. There is one of the definitions of the research. Research means
दोबारा से सर्च कर एक मेरी बात, यू आर नॉट इन्वेंटिंग द व्हील अगेन। एक बार का पहिया बन गया तो पहिया दोबारा नहीं बनाना। अब क्या करना है, उस पहिया जो बन गया है अब उसके गैप को ढूंढना है। सबसे पहले पहिया कैसे बना, पिछला एक गोल लकड़ी का लॉक जो है उसको लिया गया, उस लकड़ी के लॉक के ऊपर घुमा घुमा किसी हैवी ऑब्जेक्ट को चलाया गया, तो ये भाई एक बड़ी इन्वेंशन उस वक्त की। इंसानों ने ये सीखा कि हैवी ऑब्जेक्ट्स को कैसे शिफ्ट करना है, तो उन्होंने सोचा कि एक पोजिशन वन से सेकंड तक ले जाने के लिए उस बात किसी पहिए के जरिए ले जा सकते हैं गोल ऑब्जेक्ट के जरिए। अब अगले रिसर्चर्स ने क्या ढूंढा कि इस रिफ्लेक्शन का होना चाहिए या उसके अंदर की क्रिएटिविटी जिसे हम वैल्यू एडिशन करते हैं, इनोवेशन करते हैं। अब आज देखिए आज के दौर में पहिया और उस दौर में स्टोरेज में उस दौर में आज से समझो तकरीबन 6 से 7 हज़ार साल पहले पहिया इजाद हुआ और आज 2024 में तो आज आप देखिए कितनी इनोवेशन आ चुकी है। ट्यूबलेस टायर बन गए हैं, रिम्स पर काम हो रहा है, स्पोक्स पे काम हो रहा है, लाइट्स पे काम हो रहा है। एक छोटे से मिसाल दे रहा हूँ, इसी तरह हर फील्ड में रिसर्चर्स जो है वो रिसर्च करके सहूलत और बेहतरी पैदा करते हैं सोसाइटी में और इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से आप एनालाइज जब कर पाते हैं तो वही बात आप अच्छे से रिपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज योर वर्क और योर रिपोर्ट्स आर नॉट क्रेडिबल इनफ टू बी प्रेजेंटेड सब अदर ऑगस्ट फॉर। तो यहाँ पर आप तो जैसे मैं ये आपने जो है स्पेसिस जब ओपन कर लिया तो अब आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि इसमें आपको कॉलम्स भी नजर आ रही हैं और रोज भी नजर आ रहा है। अब इसके साथ ये जो ये भी शीट है, इस शीट को हम कहते हैं डेटा शीट। अब आप यहाँ पर इसके साथ नीचे वेरिएबल व्यू वाला बटन भी लगा हुआ है, आप जरा उसको दबाइए, वेरिएबल व्यू का बटन दबाइए प्लीज। जी वेरी गुड, दबा दिया आपको। अब वो चेंज हो गई एक शीट और एक और किस्म की शीट जनरेट हो गई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शीट है, ये ऐसे ही है जैसे आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, ठीक है बेटा, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और तौर पर नहीं आ जाती। पहले आप क्या सीखते हैं कि यार इसको अनलॉक कैसे कर रहे हैं, इसमें बैठना कैसे है, ये ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल है, क्या क्या डायनेमिक्स ऐसी आती है किसी चीज़ की। या साइकिल चलाना जब हमने सीखी थी, पहले गिरे थे, कैंची चलाना सीखी थी, क्या चल रहा, फिर उसके बाद 2-3 दफा करने के बाद चोट लगी थी, उसके बाद बैलेंस करना सीखे। इसी तरह गाड़ी चलाई, एक दो बार शायद दबा दी है, बिल्कुल इसी तरह ये क्यों भी नियंत्रण जो है इंसान इसी तरह सीखता है, वो गलतियाँ करता है मगर इंसान अपनी गलती को जो है वो उससे सीखता है, उसको दोहराता नहीं है। मोमिन जो है वो एक सुराख से दो बार भी कर सकता है, एक बार नुकसान हो गया मगर दूसरी बार आप दोबारा मिस्टेक नहीं करेंगे। मगर फेलियर जो है वो नाकामी नहीं है, एक्चुअली वो कामयाबी की तरफ भी कदम है। तो अब आपने जब वेरिएबल व्यू ओपन किया तो यहाँ पे जो एक अहम चीज़ सीखनी है वो ये सीखनी है कि वेरिएबल को अंडरस्टैंड करना, हाउ टू पुट अ करेक्ट वेरिएबल्स इंफॉर्मेशन इन द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को आपने सही मालूम देनी है उस वेरिएबल के बारे में जिसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ देने जा रहे हैं। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट वेरिएबल, raise your hand if you have the concept about variable. Very good. What is variable? If I say how to define variable, how many of you can define variable? Please define variable. Sir, can you define element or figures that can be changed according to situation? Very good. Please. जी, एक variable की बेहतर definition इन्होंने दी. Any fact or attribute or a property of any subject that can be changed with the passage of time. यानी कि subject हम research में subject हम उस बात को उस factor को कहते हैं subject जिसको हम study कर रहे हैं, investigate कर रहे हैं subject. For example, हम ये जानना चाहते हैं कि is there a relationship exists between diabetes and lifestyle? And if I'm a researcher,
ये जानना चाहते हैं कि इज देयर अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन डायबिटीज एंड लाइफस्टाइल। अब आप सोचिए एज ए रिसर्चर आपको क्या चीजें दरकार होगी कि लाइफस्टाइल, अब लाइफस्टाइल का क्या मतलब होता है, लाइफस्टाइल से मुराद ये है कि उसकी डाइटरी हैबिट क्या है, उसका मेट्रिक क्या है उस इंसान का, और उसका वेट क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी जेंडर क्या है, उसका BMI क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी ID क्या है, वो कहाँ रहता है, किस माहौल में परवरिश पा रहा है, समझ रहे हो, कितनी इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन रिलेबल कर रहे हैं। और इसी तरह डायबिटीज, अब डायबिटीज क्या चीज़ है आप उससे बेहतर समझते हैं, डायबिटीज क्या है, डायबिटीज क्या है, एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें इंसुलिन डेवलपमेंट जो है वो कम हो जाती है, शुगर मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, बॉडी जो है वो ज़्यादा शुगर जो है वो लगाना शुरू करती है, दूसरी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, और शुगर जो है सुक्रोज की शक्ल में जो कि कार्बोहाइड्रेट एलिमेंट की सब्सटेंस की शक्ल में बॉडी में मौजूद होती है, दैट विल बिकम लीथल। तो इसलिए उस स्टेज को या उस स्टेट को हम डायबिटीज से लाते हैं। तो अब ऐसे रिसर्चर इफ यू वांट टू सी और इफ यू वांट टू सी इज देयर अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन डायबिटीज एंड लाइफस्टाइल, सो यू हैव टू कलेक्ट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यू हैव टू डिजाइन अ रिसर्च, यू हैव टू डिजाइन अ रिसर्च एंड देन यू हैव टू गेट और सेट सर्टेन पैरामीटर्स, then you have to take or decide time span, then you have to select a particular suitable sample. Zahir hai abhi diabetes ko lifestyle ko dekhna hai to fir abhi wo log chahiye jinhe diabetes hui hai, yani sim stats pe kehte hain inclusion criteria, yani humne research mein kisko dakhil karna hai, un logo ko dakhil karna hai jinhe diabetes hai, zahir hai unhe dakhil kar sakte hain jo ki healthy man hai, sahi hai ek baat। दूसरी बात ये है कि उन लोगों को दाखिल करना है कि जो अपनी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाए, आप तक बलवा दे। इसे अब आमतौर पर ह्यूमन बींग्स में जो हम रिसर्च करते हैं इसके एथिकल कंसर्न्स होते हैं, रिसर्च के एथिकल कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, रिसर्च के बाकी जो पहलू है वो बहुत ज़्यादा है, एज ए रिसर्चर वी हैव टू कंसिडर ऑल द एथिकल कंसर्न्स, यानी उस सब्जेक्ट का कंसेंट आपके पास होना चाहिए, वो आपको इस बात की इजाजत है कि आप मेरे पर रिसर्च कर सकते हैं, आप मेरी मालूम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं तहकीक के लिए जी, यानी कंसेंट हो सकता है। इसी तरह बाकायदा रिसर्च एथिकल बोर्ड होते हैं इंस्टीट्यूशन के, IRB जिन्हें हम कहते हैं, वो जो है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूश प्रोफेसर रिसर्चर होते हैं, वो रिसर्च को देखते हैं कि क्या इसको कंडक्ट होना चाहिए, यानी फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन क्लोनिंग इज अनएथिकल, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन क्लोनिंग दुनिया में अनएथिकल कंसिडर की जाए, क्यों इंसानों को क्लोनिंग नहीं करते, क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग क्या है, कॉपीज बनाना, फोटो कॉपी बनाना, यानी मिसाल के तौर पर आप एक कागज की 10 कॉपीज बनाते हैं, तो क्लोनिंग एक्चुअली टू क्रिएट अ कॉपीज ऑफ गुड जेनेटिक मेकअप, यानी एक अच्छा जेनेटिक मेकअप है इस ऑर्गेनिज्म का, हम चाहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म दुनिया में ये अच्छा दूध देता है, इसकी मीट क्वालिटी अच्छी है, ये डिजीज रेजिस्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल डॉली जो है सबसे पहला शीप था जिसको जो है वो क्लोन किया गया, क्यों क्लोन किया गया, बिकॉज इट कैन रेजिस्ट सर्टेन पैथोजेंस, इट कैन सर्वाइव, इट कैन थ्राइव अंडर हार्श कंडीशंस, इट जनरेट्स लेस फूड, मोर मीट, प्रोड्यूस मोर मिल्क, लाइफ उसकी अभी ज्यादा है, मीट क्वालिटी अच्छी है। तो सिमिलरली सारी इंफॉर्मेशन जो हासिल की जाती है वो किसी न किसी वेरिएबल के तहत, यहाँ पर जो वेरिएबल है इस शीट में, इस वेरिएबल की आप देख सकते हैं, एक पहला उस वेरिएबल का नाम पता अच्छा होना चाहिए, दूसरा उस वेरिएबल की किस्म, थर्ड विथ, यानी उसका जो वेरिएबल का आप जो नाम रखेंगे वो कितना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, तो लेवल है कि वैल्यूज है, इसमें इस शीट में जो सबसे अहम वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन है वो कौन कौन सी है, वो है नेम, टाइप, मेजरमेंट, वैल्यूज, लेवल, ये चार पांच जो मैंने आपको बताई ये बहुत है, कौन कौन सी, नेम,
टाइप, लेबल, मेजर और ओपन कर दीजिए थोड़ा और।